ने राखियां मुझे भेंट की है। ये राखी स्नेह का कच्चा धागा है और आज इस कच्चे धागे की कसम खा के कह रहा हूं, तुम्हारी आंखों में तुम्हारा भाई आंसू नहीं रहने देगा। हमने लाडली बहना जैसी योजना बनाई, मेरी बहनों इसलिए बनाई कि कई बार मेरी गरीब बहनें, निम्न मध्यम वर्गीय बहनें, अगर 1000 रुपए की जरूरत भी पड़ जाती थी तो परेशान हो जाती थी। बेटा बेटी कोई चीज मांग ले, मायके कुछ लेके जाना हो, दवाई की जरूरत हो, साड़ी कपड़े खरीदना हो, बच्चे की किताब लाना हो, बेटी फ्राक मांग ले, फ्राक देना हो, तो कई बार इन छोटी छोटी चीजों की व्यवस्था नहीं होती थी। पैसा नहीं होने के कारण तो बहनों की आत्मा रोती थी, आंखों में आंसू होते थे। और इसलिए मेरी बहनों, मैं तो तुम्हारा भाई हूं, मुख्यमंत्री नहीं, मैं सरकार नहीं चला रहा, मैं अपना परिवार चला रहा हूं। ये परिवार है अपना परिवार, और परिवार में ये मेरे भाई, ये मेरी बहनें, तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारा भाई हूं। बताओ बहनों, भाई हूं कि नहीं? जोर से बोल के बताओ, हूं कि नहीं? अच्छा भाई हूं तो सगा हूं कि सौतेला हूं? सगा भाई हूं तो सगे भाई का कुछ तो फर्ज बनता है, कहलवाने के लिए भाई थोड़ी। और इसलिए हमने तय किया बहनों कि हर महीना सीधे 1000 रुपया मेरी बहनों के खाते में जाएंगे, हर महीने सीधे 1000 रुपया। और मेरी बहनें कितनी है पता है? 1.25 करोड़। तो अभी 1000 रुपया भेज रहा हूं। और कई बहनें कह गई, भैया हम रह गए, अब 21 से 23 साल तक की बहनें भी हमने शामिल कर ली, ट्रैक्टर वाली बहनें रह गई थी उनको भी शामिल कर ली, अब ये लाखों बहनें और जुड़ेगी, लगभग 15000 करोड़ रुपया 1 साल में ये बहनों के खाते पे जा रहा है, 15000 करोड़ रुपया। बताओ मेरी बहनों, मेरे अलावा कोई कर सकता था क्या? जोर से बताओ, कर सकता था क्या? और ये 1000 तक सीमित थोड़ी रहने दूंगा लाडली बहनाओ, अभी तो बढ़ाऊंगा, पहले 1250, फिर 1500, फिर 1750, फिर 2000, फिर 2200, और फिर 2500, फिर 2750, और बाद में बढ़ा के कितने करूंगा? 3000 करूंगा। ये इसलिए मेरी बहनों, किस पैसे की व्यवस्था हो गई तो तुम्हारी जिंदगी में जरूरी चीजों की कमी नहीं रहेगी। और भाइयों, तुम बुरा मत मानना, आखिर बहनों के पास पैसा जाएगा तो काम कौन के आएगा? अगर कभी बकल जरूरत पे, संकट के समय जरूरत पड़ गई तो यही बहनें कहेंगी, गुड्डू के पापा चिंता काय को करते, मेरे पास धरे ले जाओ, चिंता मत करो। बोलो सही बात है कि नहीं? देखो मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे जनता की जिंदगी बदलना है, जनता की आंखों में आंसू ना रहे, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना है। और लाडली बहनाओं, राखी आ रही है 27 तारीख को, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ राखी के त्योहार को मनाएगा और ये प्रयास करेगा कि आगे भी तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख ना रहे। एक पवित्र रिश्ता भाई और बहन का, ये ऐसा रिश्ता जिसमें भाई अपने बहनों की सम्मान की रक्षा के लिए सब कुछ न्योछावर कर देता है। मेरी बहनों, मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसमें हमने कानून बनाया कि मासूम बिटिया के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं। आपका मान, आपका सम्मान, आपकी इज्जत, और पैसा सम्मान भी देता है, पैसा आत्मविश्वास भी देता है, इसलिए लाडली बहना योजना बनी है। लेकिन मेरे बेटा बेटियों, आज ही वो बेटा बेटी जो 5वीं पास करके 6वीं दूसरे स्कूल जाते हैं, दूसरे गांव के स्कूल जाते हैं उन, और 8वीं पास करके 9वीं में जाते हैं, उनके खाते में मामा ने 4500 रुपया डलवाए हैं।
बेटा बेटियों तुम्हारे भविष्य को बर्बाद नहीं होने दे, इसलिए किताबें, आठवीं तक यूनिफॉर्म, और अगर बारहवीं में अच्छे नंबर लाओगे तो मामा लैपटॉप दिलवाएगा, सबको पता है कि नहीं। और अभी 23 तारीख को मेरे बेटा बेटियों अपने अपने गांव के हायर सेकेंडरी स्कूल में जो बच्चे पहले नंबर पे आए हैं, एक बेटा और एक बेटी, उसको मामा क्या दिलवाएगा? अरे क्या दिलवाएगा? स्कूटर और स्कूटी दिलवाऊंगा। और एक बात और सुन लो, ये अपने परिवार की सरकार है। कई बार गरीब बच्चे, मध्यम वर्गीय बच्चे, निम्न मध्यम वर्गीय बच्चे पास पैसे नहीं होते थे, तो बुद्धि होने के बाद भी, टैलेंट और क्षमता होने के बाद भी वो स्कूल जा ही नहीं, वो कॉलेज में जा नहीं पाते थे। अगर एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हो जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाए, आईआईटी आईआईएम में हो जाए, लॉ कॉलेज में हो जाए, और किसी उच्च शिक्षण संस्थान में हो जाए, और फीस ज्यादा हो। अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस है लगभग 8 से लेकर 10 लाख रुपया साल। बताओ गरीब बेटा बेटी चुका सकते हैं क्या? अरे जोर से बताओ ना। तो ये तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं चुकाएंगे, कौन चुकाएगा? जोर से बताओ, मामा भरेगा। परिवार की सरकार का मतलब क्या है? परिवार के बेटा बेटियों की जिंदगी में कोई तकलीफ ना रहे। 1 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती का काम चल रहा है। स्वरोजगार की योजना से लोन जिसकी गारंटी हम लेते हैं वो दिलवाने का काम कर रहे हैं। और 22 तारीख को एक और योजना मेरे भांजे भांजियों, मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ ला रहा हूं, जिसमें अगर कहीं काम सीखने जाएंगे कंपनी में तो काम सीखने के बदले मामा 8,000 रुपया महीना खाते में डलवाएगा। और बहुत जल्दी कुरवाई के मेरे बेटा बेटियों, बीना के पास आगा सौद में ही पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स आ रहा है, 50,000 करोड़ रुपए का, 50,000 करोड़ रुपए, एक नहीं अनेकों फैक्ट्रियां लगेंगी, इंडस्ट्री लगेगी, और इस क्षेत्र के बेटा बेटियों को ढंग से रोजगार मिलेगा। मेरे किसान भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस ने झूठा कर्जा माफी का वादा किया, लेकिन ब्याज की गठरी सर पे ऐसे चढ़ी कि पिछले दिनों मैंने 2200 करोड़ रुपया किसानों के ब्याज का मैंने भरवाया, ताकि कम से कम ब्याज मुक्त हो सके। 0% ब्याज पे कर्जा, और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया कि कोई किसान हो, छोटा हो बड़ा हो, उसके खाते में हर साल 6,000 रुपया देंगे, 3-3 की किस्त 2-2 हजार की। मेरे दिल ने भी कहा, शिवराज पीएम 6,000 दे रहे हैं रे, तू भी तो कुछ दे। तो मैंने तय किया 4,000 का, लेकिन अब 4,000 भी बढ़ा के 6,000 रुपया कर दिए हैं। पहले 2,000 पीएम के आएंगे, फिर 2,000 सीएम के आएंगे, फिर 2,000 पीएम के, फिर 2,000 सीएम के, फिर 2,000 पीएम के, फिर 2,000 सीएम के, साल में 12,000 रुपया छोटे से छोटे किसान के खाते में आएगा। और लाडली बहना अगर घर में है तो 1,000 रुपया बहन का आएगा, और एक परिवार में 3 अगर बहू है तो 3,000 बहना के और 3,000 भैया के मिलके 6,000 हो जाएंगे। और घर में लाडली लक्ष्मी अगर बेटी है और वो कॉलेज में जा रही है तो 12,500 रुपया उस बिटिया को दिलवाऊंगा। और एक बात सुन लो कुरबाई वालों, 15 अगस्त के दिन मैंने संकल्प लिया है कि आयुष्मान भारत योजना, देखो गरीब को क्या चाहिए, सबसे पहली चीज है रोटी। प्रधानमंत्री जी गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत फ्री में राशन देने का काम करते हैं। इसके बाद चाहिए धरती रहने के लिए। सुन लेना, ये शिव संकल्प है कि मध्य प्रदेश की धरती पर किसी गरीब को बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा, रहने की जमीन का मालिक हर एक गरीब होगा। सबके पास रहने की जमीन होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए 1,22,000 पट्टे अभी दिए हैं, कई बच गए, सूची फिर से बनेगी, सबको पट्टे दूंगा, और जरूरत कहीं पड़ी
तो जमीन खरीद के भी पट्टे दे दूंगा, लेकिन बिना जमीन के नहीं छोड़ूंगा किसी। और दूसरी चीज, उस पर मकान बने। प्रधानमंत्री जी के हम आभारी हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना चलती है, लेकिन कई नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं है, आवास प्लस में रह गए। और इसलिए एक मुख्यमंत्री जन आवास योजना बना रहा हूं, जल्दी सर्वे करवाऊंगा। जो नाम उधर छूट गए हैं वो सीएम आवास योजना में जुड़वा के तुम्हारे मकान भी गरीब बहनों और भाइयों दोनों योजना के अंतर्गत मिलेंगे। इलाज के लिए मेरे बहनों और भाइयों, बीमार हो जाए तो इलाज बड़ी समस्या होती है, एक सदस्य बीमार हो जाए तो पूरे परिवार पे संकट टूट पड़ता है। जो आयुष्मान भारत योजना है जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में देने की व्यवस्था है, अब उसका भाई साहब 39 सीटों पर उम्मीदवार।